हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। असी कर रहे हैं जी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का टॉपिक है सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। लास्ट टॉपिक दे विच असी कीता सी कि किस तरह असी रेजिस्टर्स नू सीरीज ते पैरेलल दे विच जॉइन करते हैं, उन्हां दा नैट रेजिस्टेंस फाइंड किया सीरीज़ ते पैरेलल दे विच, उस दे फॉर्मूले ड्राइव किए सीगे। तो जे तुसी लास्ट लैक्चर अजे तक नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे रहा हूँ, एंड आल्सो यू कैन डाउनलोड PDF नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस टॉपिक दे विच पहला असी डिफाइन करते हैं जी सैल की है। तो सैल एक डिवाइस है जिसनों यूज़ किया जाता है टू मेनटेन स्टडी करंट इन द सर्किट। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेनटेन स्टडी करंट इन द सर्किट। कि कोई सर्किट है उस दे विच असी करंट फ्लो करवाना है तो उनके लिए सैल की जरूरत होंदी है। तो जिस तरह तुसी देखा होएगा कि असी घरां दे विच ड्राई सैल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वह एक इहो जिहा सैल है कि जिसनों असी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। साडी मोबाइल की बैटरी भी एक तरह का सैल्स का कॉम्बीनेशन है, ठीक है, तो एक सोर्स है। इत्थे एक सैल दिखाया गया है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, या जिसनों इलैक्ट्रोलिटिक सैल कहते हैं। कि सैल का अंदरला स्ट्रक्चर दिखाया गया कि सैल के इनसाइड की है। सैल के इनसाइड दो इलैक्ट्रोड होंगे है, तो ये दो इलैक्ट्रोड शो किए गए हैं, दीज आर इलैक्ट्रोड्स। तो इस दे अंदर एक कैमिकल होंगे जिसनों असं इलैक्ट्रोलाइट कहने। तो जो असी इन इलैक्ट्रोड्स नू इस दे विच इमर्स करते हैं तो एक दे उपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे तो दूसरे के उपर नैगेटिव चार्ज अपीयर होंगे, ठीक है। तो जिस दे उपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे उसकी जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होंगी है, जिस दे उपर नैगेटिव चार्ज होंगे उसकी पोटेंशियल नैगेटिव होंगी है, ठीक है। तो इस दे विच टू इलैक्ट्रोड्स होंगे है जी, ठीक है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नैगेटिव है। तो इन इलैक्ट्रोड्स नू की किया जाता है, इन इलैक्ट्रोड्स नू एक सोल्यूशन दे विच इमर्स किया गया है जिसनों असी इलैक्ट्रोलाइट कहने हैं, ठीक है जी। तो इत्थे असी अज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव इलैक्ट्रोड है उसकी जो पोटेंशियल है दैट इज़ वी प्लस, उसनू वी पॉजिटिव वी प्लस नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं जी, उस दे नाल एक सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो नैगेटिव इलैक्ट्रोड है उसकी जो पोटेंशियल है दैट इज़ वी माइनस। हुण इन्हां दोनों इलैक्ट्रोड्स दे विच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होया। सपोज करो जी, चलो आपां भावें एक्सटरनल सर्किट नहीं लगाया, ठीक है, तो भी इन्हां दोनों दे विच पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, करंट नहीं फ्लो कर रहा। इन्हां दोनों दे विच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा जो सर्किट दे विच करंट फ्लो नहीं कर रहा, असी अजे रजिस्टर नहीं लगाया, देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट, तो उसनों असी ओपन सर्किट भी कहने हैं जी। तो इतने असं एक टर्म यूज़ करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होंगे कि वैन देर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसनों याद रखा जे कि जो सर्किट के कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट जीरो है, ठीक है, तो उसनों ओपन सर्किट कहते हैं। तो ओपन सर्किट के इन दोनों टर्मीनल्स कि डिफरेंस है, देखो वी प्लस तो वी माइनस के कि डिफरेंस है, तो वी प्लस माइनस, तो जो वी माइनस है उसकी पोटेंशियल नैगेटिव होएगी, ठीक है ना, इसलिए उसी उन्हें अगर नैगेटिव साइन लगा रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसनों ईएमएफ कहा जाता है। तो इसनों की कहा जाता है जी, सैल दी ईएमएफ। तो ईएमएफ की है, तो ईएमएफ नूं असीं डिफाइन कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलैक्ट्रोड्स वैन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ कॉल्ड ई एम एफ ऑफ द सैल। कि इन्हों दो टर्मीनल्स के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसनों ई एम एफ कहा जाता है, ठीक है। तो ई एम एफ वर्ड की जो फुल फॉर्म है वह की है जी, ई एम एफ नूं कहिंदे आ इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इत्थे बड़ा सी कन्फ्यूज़ होंगे जी कि इज इट अ फोर्स, की ये फोर्स है, ठीक है, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया है, तो ये फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ फोर्स, ठीक है। तो यही दसया गया जी, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फोर्स, कि ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल दे विच। जदों इसनों फाइंड किया गया सी ना, कि इसनों नाम दिता गया सी ईएमएफ, तो उदों इन दे बारे प्रॉपर नॉलेज नहीं सी, ठीक है। तो इस तरह लग रहा सी जिवें सर्किट नूं ड्राइव कर रही है, करंट फ्लो करवा रही है, इलैक्ट्रॉन्स नूं फोर्स लगा रही है,
ठीक है, तो इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स इस दा नाम रखा गया सी। एक्चुअल दे विच एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ई एम एफ नूं असीं इस तरह भी डिफाइन करते हैं, जे असीं पोटेंशियल डिफरेंस नूं वर्क डन नाल रिलेट करिए, तो यूनिट चार्ज मूव करवाउण लई सर्किट दे विच, एक कंप्लीट सर्किट दे विच जिन्ना वर्क डन हुंदा, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इन वन कंप्लीट सर्किट, वन क्लोज सर्किट, तो एक सर्किट दे विच जदों असीं यूनिट चार्ज नूं मूव करन दी गल करदे हां, तो उस दे लई जिन्ना वर्क हुंदा दैट इज़ कॉल्ड ई एम एफ। तो हुण देखो जी, असीं एक सर्किट यूज़ कर रहे हां, जदों असीं इस दे नाल एक रजिस्टर लगा दिंदे हां, तो इहदे विच करंट फ्लो करदा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मीनल टू द नैगेटिव टर्मीनल। तो आउटर सर्किट दे विच करंट फ्लो करदा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मीनल टू द नैगेटिव टर्मीनल, तो इनसाइड द सर्किट नैगेटिव टर्मीनल टू पॉजिटिव टर्मीनल। समय लगी तो करंट इस तरीके नाल जाएगा, एक करंट की डायरेक्शन है, तो इलैक्ट्रॉन्स दे मूव करने की डायरेक्शन एक्चुअल दे विच ये होएगी फ्रॉम द नैगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनसाइड फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। क्लीयर? तो इसनों असी इस तरीके दे नाल भी शो कर दिंदे आ कि सर्किट जिहड़ा साडा, उसनों कि एक्सटर्नल रजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो सैल है इसनों यूज़ कर रहे हैं, तो ई इज द ई एम एफ है। तो हुण जिहड़ा सैल यूज़ कर रहे हैं जी, देखो जिहड़े इलैक्ट्रोड्स है तो इलैक्ट्रोलाइट है, जो करंट फ्लो करता है तो ये भी कुछ अपोज करते हैं करंट के फ्लो नूं, तो इसका मतलब सैल का अपना भी एक इंटरनल रजिस्टेंस होंदा है। ठीक है, तो सैल जो रजिस्टेंस ऑफर करता है ये तो बाहरों लगाया हुआ रजिस्टेंस है ना, असीं सैल नूं यूज़ कर रहे हैं जिस सर्किट के, ठीक है, जिवें किसी बल्ब नूं ऑन कर रहे हैं सैल दे नाल। ठीक है, तो जिहड़ा अंदरला सैल का रजिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रजिस्टेंस। तो इंटरनल रजिस्टेंस नूं डिफाइन करते हैं, देखो तो इंटरनल रजिस्टेंस की चीज़ है कि इट इज़ द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलैक्ट्रोड्स, कि जो इलैक्ट्रोड्स रजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो इलैक्ट्रोलाइट ऑफर करता है, इट इज़ द रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलैक्ट्रोड्स एंड इलैक्ट्रोलाइट ऑफ द सैल। ठीक है, तो इसनों असी स्मॉल आर दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लीयर है? इस सर्किट दे विच एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है, तो सैल दे रजिस्टेंस नूं असी इत्थे शो कर दिंदे हां जी, दिस इज़ रजिस्टेंस ऑफ सैल, इसनों स्मॉल आर नाल रिप्रजेंट कर दिंदे हां। एक्चुअली हुण इहदे अंदर तां शो नहीं कर सकते ना, कि एक सिंबल दे उपर दूसरा सिंबल, कई बार इत्थे भी इहदे नाल भी शो कर दिंदे हां। ठीक है, तो दोनों चीज़ां हो सकदियां जी। तो हुण इहदे विच की है जी, देखो कि जदों करंट फ्लो करेगा तो वह दोनों दे विचों करेगा, आर दे विचों भी कर रहा है तो सैल दे विचों भी कर रहा है, तो जे सैल दे विचों कर रहा है तो मतलब इस रजिस्टेंस दे विचों कर रहा है। ठीक है, सैल दे विचों भी तो करंट पास करना है ना, तो इन दोनों दे विचों सेम करंट पास करेगा, तो ये दोनों एक्चुअल दे विच सीरीज़ दे विच हो गए। ठीक है, ऐ ना कहा जी देखण नूं पैरलल च है, तो जो सेम करंट फ्लो करता है तो वह सीरीज़ दे विच हुंदे आ जी। ठीक है, तो आर ते आर सीरीज़ दे विच हो गए, सर्किट का जो टोटल रजिस्टेंस है वह कितना हो गया, वह हो गया जी आर प्लस आर। ठीक है, तो हुण सर्किट दे विच करंट कितना फ्लो करेगा, अगे असीं सर्किट दे विच करंट फ्लो फाइंड करदे सी तां पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रजिस्टेंस कर दिंदे सी, क्योंकि सानूं इंटरनल रजिस्टेंस का पता ही नहीं सी। ठीक है, तो हुण सर्किट दे विच जदों भी असीं करंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला असीं यूज़ करांगे जी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि करंट थ्रू द सर्किट किस दे इक्वल होएगा जी, सर्किट दे विच जिन्नी टोटल ई एम एफ है। ठीक है, टोटल ई एम एफ का की मतलब, टोटल ई एम एफ का यह मतलब है जी, कई बार सर्किट के एक नो ज़्यादा सैल भी लगे होंगे है। देखो तुम घर कई बार टॉयज़ यूज़ करते हो या कोई टॉर्च यूज़ करते हो, है ना, तो उस ड्राई सैल यूज़ करते हैं ना, तो देखो कई बार आपको एक नो ज़्यादा ड्राई सैल यूज़ करने पैंते हैं। टीवी का रिमोट देख लो, उन्हें भी घट्टो घट्ट दो सैल यूज़ होंगे है। ठीक है, तो उत्थे वो दोनों सैल्स असी सीरीज़ के लगाने, अगे जाके असी सैल्स नूं लगावांगे जी सीरीज़ दे विच। इस तो नैक्सट टॉपिक जो है सैल्स इन सीरीज़ एंड पैरल होएगा, अजे सिर्फ असी रजिस्टर्स नूं सीरीज़ के पैरल च लगा रहे, तां ही असी टोटल ई एम एफ की गल कर रहे हैं। ठीक है, चलो इत्थे तां असी एक ही सैल यूज़ किया जी, अपना जिहड़ी ई एम एफ है वह ई हो जाएगी। ठीक है, टोटल रजिस्टेंस का की मतलब है, टोटल रजिस्टेंस का मतलब है कि सर्किट के इंटरनल रजिस्टेंस प्लस एक्सटरनल रजिस्टेंस। ठीक है, जिवें अपने इस सर्किट की गल करिए, आप जिस सर्किट को यूज़ कर रहे हैं तो देखो इस दे विच ई एम एफ किन्नी है, ई एम एफ इज़ ई।
ठीक है, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज़ दे विच आर प्लस आर। तो सर्कट दे विच करंट कितना फ्लो करेगा, सर्कट दे विच करंट फ्लो करेगा जी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ई किस दे इक्वल हो जाएगा आर प्लस आर, आई दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ठीक है, जो तुसीं ब्रैकेट ओपन करांगे तो ई किस दे इक्वल हो जाएगा आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। जे असीं ओम्स ला यूज़ करिए देखो इस रजिस्टर ते आर ते, इहदे विचों आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आर इज़ द रजिस्टेंस है, तो वी इज़ द अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो असीं ओम्स ला यूज़ करिए तो वी पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द टर्मिनल्स अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस दे इक्वल हो जाएगा आई आर। ठीक है, तो आई आर की जगह पर इस एक्सप्रैशन दे विच असीं वी पुट कर सकते हैं क्योंकि वी इज़ इक्वल टू आई आर है, तो फिर ये इक्वेशन की बन जाएगी ई इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर, वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो जे असीं इहदे विच देखिए फिर इसका मतलब ई ते वी इक्वल नहीं है, ई एम एफ जो है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस दे इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस नूं असीं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहने हैं। देखो इत्थे लिखा है वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी नूं असीं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहने हैं जी। तो वी किस दे इक्वल हो जाएगा जी ई माइनस आई आर, तो इसका मतलब जिहड़ी ई है वो ग्रेटर दैन वी है, ठीक है ना। तो वी जिहड़ा है वो लैस होएगा जी ई तो, कितना लैस होएगा बाय द अमाउंट आई आर जो इस रेजिस्टेंस दे अक्रॉस कंज्यूम हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस रेजिस्टेंस दे अक्रॉस भी कुछ कंज्यूम हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। आप अलग अलग वर्ड इतने यूज़ करांगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, तो कंज्यूम हो रही है वोल्टेज, तो सारे का मीनिंग सेम ही है कि पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रही है। वैन देर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कट, जे करंट नहीं फ्लो कर रहा तो आई इज़ इक्वल टू जीरो होएगा, ठीक है। जे आई जीरो है तो वी किस दे इक्वल हो जाएगा, आ टर्म जीरो हो जाएगी, वी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ई। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू ई एम एफ। करंट फ्लो होएगा तो आई इन टू आर टर्म आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। हुण अगे गल करते हैं जी इंटरनल रजिस्टेंस की, कि सर्कट के इंटरनल रजिस्टेंस है बट वो किहड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल रजिस्टेंस आर ऑफ द सर्कट डिपेंड्स अपॉन, तो फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जी। नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड्स से, कि इलैक्ट्रोड्स कहदे बने हैं जी, ठीक है ना। नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट से, कि इलैक्ट्रोलाइट जो अंदर सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो कहदा। डिस्टेंस बिटवीन इलैक्ट्रोड्स से, कि इलैक्ट्रोड्स के डिस्टेंस कितना है, जिन्ना डिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलैक्ट्रोलाइट, कि जो एरिया ज़्यादा होएगा जी इलैक्ट्रोड का जोड़ा सोल्यूशन दे विच है, तो उन्दे नाल इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, फायदा होएगा जी। देखो घर दे विच असीं इनवर्टर यूज़ करते हैं तो वह भी उन्दे विच भी सैल्स होंदे है, तो उन्दे विच भी अंदर सोल्यूशन है, ठीक है, तो उन्दे अंदर इलैक्ट्रोड्स इमर्स किए हुए हैं। तो ये जी बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी है, असं जो ड्राई सैल यूज़ करते हैं वो साडा रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है ना। जी साडे मोबाइल की बैटरी है वो भी रिचार्जेबल बैटरी है। तो फिर असं इन्हों दो तरीकों के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो वो जो जिन्हों असी रिचार्ज कर सकते हैं, दूसरे वो जिन्हों रिचार्ज नहीं कर सकते। हुण अगे असीं कर रहे हैं जी डिफरेंस बिटवीन ई एम एफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कि ई एम एफ ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे विच फिर फर्क की है। देखो है दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस, बट कदों ई एम एफ है तो कदों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो जे तो सर्कट दे विचों कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो उन्दे टर्मिनल्स दे क्रॉस जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ओपन सर्कट जिन्हों कह लो जो करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैं बार बार तुहानूं दस रहा रिमैंबर दिस वर्ड, जो सर्कट से करंट फ्लो कर रहा तो असं उसनों कहने क्लोज्ड सर्कट, जो सर्कट से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसनों कहने जी ओपन सर्कट। तो जो सर्कट ओपन होएगा उनके क्रॉस जो सैल के क्रॉस डिफरेंस होएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो मैक्सीम होएगा, तो मैक्सीम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मीनल्स ऑफ सैल इन ओपन सर्कट उसनों असं की कहने जी ई एम एफ, ठीक है। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की है, पोटेंशियल डिफरेंस है जी किसी भी दो पॉइंट्स के सर्कट के, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कट, जिवें असीं रेजिस्टेंस दे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉज, इट इज़ एन इफेक्ट,
कि ये कॉज है सर्कट के जो करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो सैल करके कर रहे हैं जो असी लगाया जो EMF असी लगाई है। तो जो असं EMF लगाने तो उनके करके पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, समझ लगी। तो इस करके जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होया वो इफेक्ट है। हम तुहाडे लिए एक टास्क है कि तुहानू होर की लग रहा है जी कि डिफरेंस है जी EMF ते पोटेंशियल डिफरेंस दे विच, ठीक है। तो मिनिमम 4 पॉइंट्स तुसी इहदे विच डिस्कस करने हैं जी, तो तुसी इसनू बुक दे विचों स्टडी करो, ठीक है। तो इन्हां 2 पॉइंट्स नू कंप्लीट करो कि होर की डिफरेंस असी लिख सकते हैं EMF ते पोटेंशियल डिफरेंस दे विच। देखो जी, हुण असी एक न्यूमेरिकल करन जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल दे विच सर्किट गिवन है, तो अपने को क्वेश्चन की कहता है जी, नैटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनैक्टड टू द 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो इसका इंटरनल रजिस्टेंस 1 ओम है। देखो 1 ओम रजिस्टेंस सैपरेट शो किया गया, ठीक है। पहला आप इतने शो करता से तो तुम दोनों चीज़ें क्लीयर हो गई जी, नाले पता लग गया है ना। तो कैलकुलेट द नैट रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहला तो कहते नैट रजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो सैकेंड पार्ट है जी, बी पार्ट, ओबटेन करंट इन ईच रजिस्टर, हरेक रजिस्टर के जिन्हें भी लगे जिंदे हरेक असी करंट फाइंड करना है। तो ओबटेन वोल्ट ड्रॉप वी ए बी वी बी सी एंड वी सी डी, कि वी ए तो बी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना, बी तो सी दे विच किन्ना जी, सी तो डी दे विच किन्ना, तो असी ये फाइंड करना है। तो सब तो पहले तो असी नैट रजिस्टेंस फाइंड करना जी सर्किट का, कि रजिस्टेंस किन्ना होएगा। तो रजिस्टेंस फाइंड करने लई जी सानू बिल्कुल क्लीयर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों 4 ओम के रजिस्टेंस से पैरल च है, तो ये दोनों पैरल च है। तो पहले तो आप इन्होंने पैरल कॉम्बीनेशन फाइंड करा, ठीक है। तो 4 तो 4 ओम तो स्टार्ट करते हैं जी। तो 4 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरल, ठीक है। तो जो दो रजिस्टेंस पैरल दे विच होन ते दोनों इक्वल होन तो उन्हें दोनों का रजिस्टेंस टोटल करके हाफ रह जाता है। देखो तो अपने को पैरल दे विच की फॉर्मूला सी, अपने को पैरल दे विच फॉर्मूला सी कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पहली गल तो जी, जो दो रजिस्टेंस होना दो रजिस्टर ही होन तो इस फॉर्मूले नूं थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ करते होंगे जी, सिंपल हो जाता कि पहले ही LCM लै लो इन्हों का, तो यह बन जाएगा जी R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 तो 1/RP। जो रेसीप्रोकल करते हैं जी इसनों, तो RP किस दे इक्वल हो जाता है, RP इक्वल हो जाता है जी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो पैरल दे विच दो रजिस्टेंस ही होणगे ना, तो असीं इस तरीके नाल फॉर्मूले नूं यूज़ करिया करांगे कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल ईजी हो जाएगा जी। तो हुण देखो जी, दोनों रजिस्टेंस इक्वल होणगे तो रजिस्टेंस हाफ रह जाएगा, जो तीन रजिस्टेंस इक्वल होणगे तो 1/3 टाइम्स रह जाएगा। तो सॉल्व करके देख लो RP की वैल्यू कितनी आएगी, इसनों असी RP नाल लिखते हैं जी, तो यह हो जाएगा जी 4 × 4 R1 R2, ठीक है जी, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है जी। तो यह हो जाएगा जी 4 × 4 यह हो जाएगा जी 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 तो हो जाएगा जी 2। देखो हाफ रह गया ना, क्लीयर है। तो इन रजिस्टेंस जोड़ा है वो हाफ रह जाता है। हुण दूजे केस दे विच भी दोनों पैरल च है, आलसो 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरल, तो असी इन्हां दोनों का पैरल कॉम्बीनेशन फाइंड करांगे, फिर यही फॉर्मूला यूज़ करांगे, तो इसनों RP डैश लिख देंगे जी। तो 12 तो 6 है, 12 × 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो 12 × 6 हो गया जी 72 तो डिवाइडेड बाय 18 तो हो गया जी 4 ओम, ठीक है जी। हुण असीं इसका दोबारा भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जिहड़ा दोबारा सर्किट ड्रॉ करते हैं असीं उसनूं इक्विवेलेंट सर्किट कहिंदे आ। तो देखो 4 ओम तो 4 ओम जिहड़े ए वाला पार्ट है जी, ठीक है, दोनों नूं मैं कंबाइन करके 2 ओम बना रहा, तो 2 ओम बन गया जी, ठीक है। उस तो अगे 1 ओम का रजिस्टेंस लग्या, तो 1 ओम तो अगे 12 ओम तो 6 ओम है, ये कंबाइन करके किन्ने हो गए जी 4 ओम, ठीक है। तो इस दे नाल बैटरी लगी है जी किन्ने वोल्ट की, 16 वोल्ट की, बाकी सारा कुछ वही जी 16 वोल्ट की बैटरी,
तो 1 ohm का इस दा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दे विचों करंट फ्लो कर रहा है जी आई। ए पॉइंट ए है, ए बी है जी, ए सी है, ए डी है। हुण असीं नैट रेजिस्टेंस फाइंड करना जी सर्किट दे विच, तो नैट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा देखो जी 2 ohm 1 ohm ते 4 ohm सीरीज हो गए जी, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सारे नु की कर दियो जी ऐड कर दियो, ठीक है। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज है तो इसमें आर एस लिखांगे जी असी, तो सारे ऐड हो जाएंगे जी 2 + 1 + 4 = 7 ते हुण एक्सटर्नल दे विच इंटरनल ऐड हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो तुसीं पहले नोट करो, असीं पहले एक्सटर्नल लिखा सी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हुण लिख रहे हैं जी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो वो हो जाएगा जी आर एस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब 7 + 1 = 8 ohm। तो जे असीं करंट फाइंड करना सर्किट दे विच, देखो तो करंट फाइंड करने लई सानू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो उन्दे विच इंटरनल भी ऐड हो जाएगा। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, असीं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट फाइंड करते हैं तो वह हो जाएगा जी 8 ohm, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 7 + 1 = 8 ohm। तो हुण करंट फाइंड करते हैं जी, ठीक है। तो करंट थ्रू सर्किट कितना हो जाएगा, करंट थ्रू सर्किट का फॉर्मूला होंदा जी आई इज इक्वल टू जिनी ई एम एफ है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। टोटल ई एम एफ है जी 16, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, ये हो गया जी 8, तो कितना आंसर आ गया 2 ampere। तो इन्ना करंट फ्लो कर रहा है, जदों ये करंट फ्लो आ गया जी सर्किट दे विच, तो सब तो पहले असीं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जी। देखो सी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो सी पार्ट के अकॉर्डिंग जे असीं ए ते बी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा जी आई जिन्ना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय आर। हुण करंट तो सारे दे विचों ही सेम फ्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज है, ठीक है ना। तो सारे दे विचों कितना करंट फ्लो कर रहा है जी, असीं फाइंड कर लिया 2 ampere का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इन्दे विचों करंट फ्लो कर रहा 2 ohm, आई हो गया जी 2 ते आर हो गया 2, तो इन्दे विच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 volt, ठीक है। सिमिलरली वी बी सी कितना हो गया, जे असीं वी बी सी फाइंड करना है, आई किन्ना जी 2, आर किन्ना 1, तो यह हो गया जी 2 volt, ठीक है। तो वी सी डी कितना हो गया, तो वी सी डी की वैल्यू होगी जी जिन्ना करंट है जी 2 तो जिन्ना रेजिस्टेंस है 4, ये हो गया जी 8, तो 8 volt। खो इन क्रॉस हो गया जी 4 volt, इन क्रॉस हो गया 2 volt, तो इन क्रॉस हो गया जी 8 volt। टोटल 8 ते 2 10 ते 4 14 volt हो गया, तो इन क्रॉस 14 volt का पोटेंशियल डिफरेंस होया, लगाया तो 16 volt का, बाकी 2 volt कितने गया, तो बाकी 2 volt इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ही जो इतने शो किया गया, ठीक है। तो बाकी उनके क्रॉस जोड़ा ड्रॉप होएगा या कंज्यूम होएगा। हुण रह गया जी करंट, असी करंट फाइंड करना है जी, करंट पर असी फाइंड करना थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। तो फिर असी उस सर्किट पर चलते हाँ, तो देखो हुण असी सॉल्व कर लिया एक बार कि करंट फ्लो कितना कर रहा है, तो आई की वैल्यू हुण असी फाइंड कर ली कि आई इज इक्वल टू 2 ampere, तो जो 2 ampere का करंट जाएगा इत्थे, ठीक है, रजिस्टर्स दोनों सेम है, ठीक है। जो सेम रजिस्टर्स हो करंट इक्वली डिवाइड हों, तो यह मतलब 2 ampere का करंट जो जाएगा तो इन दोनों के आई वन आई टू लिख दें, आई वन आई टू, तो आई वन तो आई टू इक्वल हो, मतलब 1 1 ampere हो गए। जो 1 ते 1 ampere का करंट आएगा इतने पहुँचेगा, फिर इतने आगे कि हो जाएगा 2 ampere हो जाएगा, ठीक है। तो उस तो बाद फिर जो वो करंट इतने आएगा तो फिर डिवाइड होएगा, हुण जो डिवाइड होएगा तो हुण रजिस्टर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर जिंदे पास ज़्यादा रजिस्टेंस होएगा उस पास घट करंट जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिस पास रजिस्टेंस घट है उस पास ज़्यादा करंट जाएगा, ठीक है। उस दे मतलब इनवर्सली प्रपोर्शन होएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग जाएगा, कि जाएगा वो असी इन पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड कर सकते हैं। तो उस करंट में असी जो करंट आई इतने पहुँच जाता है,
तां असीं इस नूं फिर डिवाइड कर दिंदे हां जी आई थ्री ते आई फोर दे विच, आई थ्री ते आई फोर फिर कंबाइन करके आई बन जाणगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है जी। फिर इस सर्किट नूं दिमाग दे विच रखो। ठीक है, तो असीं फाइंड भी कर सकते हैं जी आई वन ते आई टू, नो प्रॉब्लम। जिहड़ा फस्ट पार्ट है उन्दे विच असीं आई वन ते आई टू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह फाइंड कर सकते हैं जी, बी पार्ट असीं सॉल्व करते हैं। देखो हुण तो ए ते बी पॉइंट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस है जी 4 वोल्ट का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो दोनों रजिस्टेंस पैरेलल च है, तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी जी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी डिवाइडेड बाय जिन्ना रजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा जी 1 एम्पीयर। सिमिलरली आई टू हो जाएगा, तो आई टू कितना हो जाएगा, वी ए बी डिवाइडेड बाय 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। यही मैं कह रहा कि करंट जिहड़ा दोनों रजिस्टर्स दे विच 1 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आई वन ते आई टू आ गए। फिर आई वन ते आई टू कंबाइन करनगे, तो जदों कंबाइन करनगे तो फिर इस 1 ओम चो किन्ना रजिस्टेंस किन्ना करंट पास करेगा, फिर ये दोनों कंबाइन करके 2 एम्पीयर बन जाएंगे। ठीक है जी, इन्हें विचों फिर जो करंट है वो 2 एम्पीयर हो जाएगा। तो करंट थ्रू वन ओम रजिस्टर किन्ना हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। हुण गल आ गई जी करंट थ्रू 12 ओम ते 6 ओम, क्योंकि इन दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सानू पता है। ठीक है, सी ते डी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना जी, असीं फाइंड कीता कि सी ते डी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो 8 वोल्ट है, तो आ 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन्हां टर्मीनल्स दे विच वी हैगा, रजिस्टेंस भी हैगा, तो करंट थ्रू 12 ओम किन्ना हो जाएगा, वी करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर का फॉर्मूला लगा दें, वी किन्ना जी 8, तो आर किन्ना जी 12, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 किन्ना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पीयर। ठीक है, तो सिमिलरली करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर किन्ना हो जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय 3 एम्पीयर। ठीक है, गल समझ लग गई, दोबारा देख लो जो नहीं समझ लग गया, तो भी करंट जो आई इतने पहुँचेगा तो इतने आगे डिवाइड हो जाएगा जी आई वन ते आई टू, क्योंकि रजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होएगा। इतने करंट आ रहा है आई इज इक्वल टू 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर करंट जो कहदे विच डिवाइड हो गया 1 एम्पीयर ते 1 एम्पीयर दे विच। ठीक है, फिर 1 एम्पीयर का करंट इधरों इतने आया, 1 एम्पीयर का करंट इधरों इतने आया, तो 1 एम्पीयर ते 1 एम्पीयर कंबाइन करके फिर किन्ने हो गए जी 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर का करंट जो इतने पहुँचा तो फिर दो साइडां ते डिवाइड होएगा। ठीक है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना है जी, असी कर चुके हैं इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का असी कैलकुलेट किया। ठीक है, जो पैरेलल दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुंदा है तो इनके क्रॉस भी 8 वोल्ट है, इनके क्रॉस भी 8 वोल्ट है, तो इनके क्रॉस जो करंट फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी कितनी है जी 8, आर कितना 12, तो इनके क्रॉस हो जाएगा जी 8 बाय 12, इनके क्रॉस हो जाएगा जी 8 बाय 6, यही असी कैलकुलेट किया। ठीक है जी, 8 बाय 12 तो 8 बाय 6, तो असीं सारे जिहड़े रजिस्टेंस जिहड़े सारे करंट है वह फाइंड कर लिया। ठीक है, नैटवर्क का रजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल रजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया जी सर्किट का। ठीक है, जिहड़ा आ एक्सटर्नल रजिस्टेंस कैलकुलेट किया ये नैटवर्क का, जे नैटवर्क का रजिस्टेंस पूछा जाए तो ये फाइंड करना है जी, जे टोटल रजिस्टेंस पूछा जाए तो फिर 8 ओम फाइंड करना है जी। समझ लग गई जी, तो आई होप कि तुहानू गल समझ लग गई होएगी जी। ठीक है, इस एग्जाम्पल नाल कुछ होर क्लियर हो गया होएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।